बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पत्र लेखन कराने चल रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पत्र लेखन लिख दिया है। पत्र लेखन एक आवश्यकता है, हर व्यक्ति को पत्र लेखन आना चाहिए, क्योंकि पत्र लिखना एक अपने में कला भी है। दो व्यक्तियों के बीच यदि पत्र को रखा जाए तो संवाद तो होता ही है, लेकिन ये एक स्थायी माध्यम है। आप इस पत्र को, पुराने समय के पत्रों को, जैसे आप जवाहरलाल नेहरू के पत्र जो थे इंदिरा गांधी के नाम, आज तक सुरक्षित हैं। यदि आप अपनी यादों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पत्र एक बहुत बड़ा साधन है कि आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। आप बहुत ही यादगार पत्र को लेमिनेट करा के रख सकते हैं। तो एक आवश्यकता है, एक कला भी है, लेकिन वास्तव में कुछ बातों का ध्यान रख करके ही हमको पत्र लिखना चाहिए। पत्र लिखने में हमेशा ये सोचना चाहिए कि सही और उचित शब्दों का प्रयोग करें, और जो समय सीमा की बात करें तो समय सीमा भी एक होनी चाहिए कि आपका पत्र न तो इतना लंबा होना चाहिए कि पढ़ने वाला घबरा जाए कि वो पत्र पढ़ रहा है या कोई फिल्म देख रहा है, कहानी उपन्यास है, या इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले की आपके प्रति रुचि ही न जगे। तो ये एक कला है, इसकी एक अपनी खास तरीके की भाषा होती है, जिस भाषा का उपयोग करके आप उसे रुचिकर बना सकते हैं, पढ़ने के लिए लोगों को पसंद आ सकता है। तो ये एक कला है पत्र लिखना भी। बड़े बड़े लोगों के पत्र बहुत सुरक्षित रखे जाते हैं म्यूजियम वगैरह में आपके लिए। अगर आपको कभी किसी, मान लीजिए आपको किसी कारण से आपको प्रधानमंत्री का पत्र मिला, तब तो आप उसे सुरक्षित रखेंगे, लेमिनेट करा के अपने घर में टांगेंगे। ठीक वैसे ही आपको अपने घरों के, अपने पिता, अपने दादा बाबा या किसी और यादगार व्यक्ति का कोई पत्र मिले तो आप उसे बहुत अच्छे से रख सकते हैं। पत्र लेखन कला तो है, भाषा का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तीसरी जो सबसे जरूरी बात मुझे आपको बतानी है वो ये है कि पत्र लिखते समय बहुत साफ सुथरा पत्र लिखना चाहिए ताकि आपकी लिखावट को हर कोई पढ़ सके। लिखने वाला, क्योंकि आप पत्र दूसरे को भेज रहे हैं और आपकी लिखावट अगर अच्छी नहीं है तो पढ़ने वाले को भी रुचि नहीं आएगी। जैसे तैसे पढ़ लेगा, पता नहीं क्या लिखा है, करके रख देगा, छोड़ो चलो हालचाल मिल गया। तो ये तरीके से उसकी रुचि ही नहीं जागृत होगी। तो मोती जैसे अक्षरों में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखे हुए पत्र और अच्छे लगते हैं देखने में। और आपको बता दूं कि उसमें कटिंग और ओवर राइटिंग बिल्कुल ना होने पाए, क्योंकि अगर आपको अच्छे अंक लेने हैं तो कटिंग और ओवर राइटिंग से आपको बचना ही पड़ेगा। और जो प्रारूप आपको पत्र का सिखाया जाएगा वो प्रारूप भी आपको बिल्कुल पालन करना होगा, क्योंकि उस प्रारूप में अगर आपने उसको बिल्कुल अच्छी तरह पालन किया है तो कोई भी आपके अंक काट नहीं सकता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें मैंने आपको बताई है। तो पत्र की कुछ विशेषता भी मैंने बताई कि एक तो भाषा अच्छी होनी चाहिए, दूसरी संक्षिप्त होना चाहिए, अत्यधिक विस्तार वाले पत्र पढ़े नहीं जाते हैं, इसके अलावा कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, प्रारूप पत्र का बिल्कुल सही होना चाहिए कि आपने उस प्रारूप को बिल्कुल माना है, और पत्र पर तारीख भी, दिनांक भी लिखा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को ये पता लगे ये पत्र कहाँ से आया है, किस तारीख को चला है और कब उन्हें प्राप्त हुआ, कितना समय लग गया। यानी आपने अगर किसी घटना की चर्चा की है, किसी खास बात की, मतलब वो पत्र आपको जिस दिन लिखा गया उसके कितने दिन पहले की वो घटना या है, तो इस चीज सबका अनुमान भी लगाया जा सकता है। फिर शब्दों की भाषा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी उससे प्रभावित हो जाए। और जैसे देखा जाए तो पत्र के जो प्रकार हैं वो दो तरह के पत्र होते हैं। आपको मैं बता दूं, पत्र हमेशा दो तरह के होते हैं।
एक कहते हैं औपचारिक पत्र, और दूसरे को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो आप ये मान के चलिए कि ये पत्र जो है माता पिता भाई बहनों को लिखा जाता है, तो सीबीएसई ने इसको 9th के पाठ्यक्रम में डाल दिया है और औपचारिक पत्रों को 10th के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है। औपचारिक पत्र ये जो होते हैं किसी भी कार्यालय, ऑफिस, जिलाधिकारी, थाना या किसी भी ऐसे औपचारिक बात करने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, आप अपने घर का हाल चाल, अपने बड़े छोटे, अपनी पढ़ाई लिखाई, दिनचर्या कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये पत्र होता है। लेकिन लिखने के फॉर्मेट में थोड़ा सा ही अंतर होता है। इन पत्रों में विषय होता है, इन पत्रों में विषय नहीं होता है। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता, लेकिन औपचारिक पत्रों में विषय डालना जरूरी होता है कि ये पत्र आपने किसको दिया और किस कारण से दिया है। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए, तभी आपका पत्र सही होगा। अनौपचारिक पत्र में कोई विषय नहीं होता है, बाकी चीजें मिलती जुलती सी होती हैं। उसमें आप जिसको भी विषय दिए हैं तो धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपने किसी न किसी कारण से वो पत्र लिखा होगा। अगर आपका वो कोई कार्य करने के लिए किसी खास व्यक्ति, जिला अधिकारी, नगर निगम, थाना अध्यक्ष, विशेष वीआईपी किसी को भी लिखा है, तो उसको ये मान के कि वो आपका कार्य कर रहा है, तो आपको धन्यवाद भी देना चाहिए। सर धन्यवाद मतलब ये पत्र मैं आपको बहुत धन्यवाद के साथ दे रहा हूँ कि आप मेरे इस कार्य को करें, तो इसमें थैंक्स देना, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। इन पत्रों में धन्यवाद नहीं दिया जाता। ये छोटे मोटे अंतर हैं जो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये जानना चाहिए कि हाँ औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर है, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूं। 9वीं के तो 9वीं की कक्षा में ये भी मैंने लिखी दिया कि कौन से पत्र रखे गए हैं। उसके बाद अनौपचारिक पत्र लिखने में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, तो सबसे बड़ी बात मैं उसको भी क्रमवार तरीके से बता देती हूँ कि अनौपचारिक पत्र लिखने में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो मैं औपचारिक यहां से हटा दे रही हूं बिल्कुल। अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, मतलब आपको क्या ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे तो आपको पूरे अंक 5 के 5 मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर सबसे पहले लिखने वाला जो पत्र लिख रहा है उसमें लिखने वाले का पता होना चाहिए, लिखने वाले का पता। और पता लिखने के लिए आपको अपने कॉपी के पन्ने का 1/4 ही, कॉपी के पन्ने का 1/4 हिस्सा ही प्रयोग में करना है, और वो भी बिल्कुल सीधा लिखना है। अभी मैं आपको इसके बाद लिखकर भी दिखाऊंगी। उसके बाद आपको संबोधन, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, आपके पिता हैं, आपके माता हैं, आपके दोस्त, आपकी बाबा दादी कोई भी है, तो संबोधन करिए। बड़े हैं तो आदरणीय और पूजनीय, छोटे हैं तो प्रिय। तो मित्र के लिए, छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए आप प्रिय लिख सकते हैं,
बाबा दादा चाचा मामा और माता पिता के लिए आप आदरणीय या पूजनीय शब्द का प्रयोग करें। उसके बाद तीसरे नंबर पर अभिवादन होना चाहिए। अभिवादन कहने का तात्पर्य होता है कि अगर आपने बड़े को पत्र लिखा है तो आप सादर चरण स्पर्श लिखिए, और अगर छोटे को लिखा है तो सस्नेह या प्रेम, सप्रेम, सस्नेह नमस्कार, मित्र को लिखा है तो सस्नेह नमस्कार, नमस्कार इस तरीके से, और छोटे को लिखा है तो शुभ आशीर्वाद, अपने छोटे भाई बहन को लिखा तो शुभ आशीर्वाद ये लिखिए। तो अभिवादन भी बहुत आवश्यक है कि कौन से शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके बाद है चौथा है, अब आपका पत्र का कलेवर, बॉडी जिसको आप कहते हैं, पत्र का कलेवर, कलेवर का मतलब होता है कि बॉडी, आप क्या विषय वस्तु रखे हैं। अब आपने अपने पत्र को किस चीज के लिए, आपके प्रश्न में जो सवाल उठाया है, आपके वार्षिक उत्सव का वर्णन है, आपको मित्र की माता जी का हाल चाल लेना है, तो आपको जो भी विषय उस पत्र का है उस पत्रों को क्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले अपना परिचय, मैं यहाँ पर भली प्रकार से रहते हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहां पर अच्छी तरह होंगी। उसके बाद मैंने सुना है कि तुम्हारी माता जी, मित्र मैंने सुना कि तुम्हारी माता जी पिछले 15 दिनों से बीमार चल रही है, अचानक मुझे सुरेश से या किसी से लिख दीजिए कि मुझे ये खबर मिली तो मैंने तुम्हें ये पत्र लिखा। अब तुम्हारी माता जी का क्या हाल है, क्या हुआ था, कैसे इतनी परेशानी तुम्हारे पर आ गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे इस बात का दुख है, इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए। तो ये कलेवर में आ जाता है। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज होगा, यहीं पर अनुच्छेद परिवर्तन, पैराग्राफ चेंज जिसको कहते हैं, अनुच्छेद परिवर्तन करें, और 2 पैराग्राफ इज कंपल्सरी। तो 2 पैराग्राफ आपको 2 अनुच्छेद में पत्र लिखना जरूरी है। उसके अब पत्र का विषय वस्तु बड़ा होता है और परिवर्तन करने के बाद उसका समापन जो आप कर रहे हैं वो छोटा होता है। उसके बाद पत्र का यहीं पर समापन हो जाता है। उसके बाद आपको अपना हस्ताक्षर या अपना परिचय मतलब आप उन बेटा बेटी भाई बहन क्या है उनके, वो देखे नाम। अब दूसरी जो आवश्यक चीजें, इतनी चीजें हैं इसको आप उतार लीजिए, मैंने समझाई दिया इसको आपको, इसके बाद मैं पत्र लिखूंगी। अपना परिचय देते समय जो भी चीजें लिखेंगे, अनौपचारिक पत्रों में पंक्ति का अंतराल जो है वो सिर्फ तारीख के ऊपर और नीचे होता है। सबसे पहले अपना लिखने वाले का जहां पता होता है तो संबोधन के पहले ही तारीख आ जाती है, पता के तुरंत बाद एक पंक्ति का अंतराल, दिनांक, फिर एक पंक्ति का अंतर है। रिपीट करके इसको नहीं लिख रहे हैं, ऐसे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मतलब उसके बाद कहीं कोई लाइन का गैप नहीं होता है। तो इतनी चीजें आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आवश्यकता लग सकती है। और मैं इसको रख करके एक पत्र लिखने चल रही हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं इसको मिटाती हूँ और फिर आपको एक पत्र लिखकर दिखाती हूँ, उसी आधार पर आप अपने व्याकरण की पुस्तक से कुछ प्रश्न निकालिए और उसको 3 पत्र कम से कम आप अपनी कॉपी पर खुद से लिखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक इसकी डिजाइन बना देती हूँ ताकि जो मैंने लिखा वो आपको समझ में आ जाए, फिर मैं इसको भी रफ करूंगी, फिर मैं आपको पत्र लिख के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका अपना पता,
अपना पता होगा, फिर एक लाइन का गैप, फिर यहाँ दिनांक, फिर एक लाइन का गैप, फिर यहाँ जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उसका संबोधन। तो संबोधन, संबोधन, फिर यहाँ अभिवादन, फिर आपको पत्र प्रारंभ कर देना है। बहुत विस्तार नहीं देना है, बहुत संक्षेप में नहीं लिखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, यहां भी कोई अंतराल नहीं है, खत्म करिए। यहां आप अपना परिचय देंगे, अपना परिचय, तो आप उनके बेटा बेटी क्या है वो दीजिए, यहाँ अपना क ख ग या कोई नाम। तो ये छोटा सा एक फॉर्मेट के डिजाइन है जो मैंने यहाँ पर बना दी है, तो आप समझिए। ये आपका विषय वस्तु है कलेवर, ये आपका पत्र का कलेवर है, पत्र का कलेवर, ये आपका अनुच्छेद परिवर्तन है, ये समापन है, इसको भी समापन कह सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो अभी लिखा था वो बता दिया। अब मैं एक प्रश्न बोलूंगी, उसके बाद इसी फॉर्मेट पर उसको लिख कर दिखाऊंगी। तो प्रश्न मैं बोल रही हूं, नए सत्र की तैयारी हेतु आपको कुछ रुपए की आवश्यकता है, रुपए मंगवाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। तो मैं इसको रब कर देती हूं और उसके बाद मैं आपको पत्र लिख, आपके लिए पत्र लिख रही हूं। आप उसी फॉर्मेट पर, उसी प्रारूप पर अपने पत्र को लिखिएगा। तो प्रश्न मैं फिर से दोहराती हूं या मैं लिख देती हूं फिर रब कर दूंगी। प्रश्न है, नए सत्र की तैयारी हेतु आप अपने पिता से 5,000 रुपए मांगते हुए पत्र लिखें। तो इसको आप उतार लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके लिखूंगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतार लीजिए, मैं पत्र लिखने चल रही हूं। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं किनारे हूं एकदम। चलिए आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अब मैं पत्र शुरू करती हूं। आप पत्र लिखने पर ये मान के चलिए कि ये आपकी कॉपी का पेज है, ये आपकी ऊपर के हिस्से की शिरोरेखा बनाने की जगह है, ये कॉपी की आपकी मार्जिन है। अब आपको अपना पत्र शुरू करना है। तो पत्र लिखने में सबसे पहले अपना पता लिखना है। पता लिखने में आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग करें। बी 15/30 सदर बाजार, मार्जिन से बिल्कुल लगा होना चाहिए, वाराणसी, पूर्ण विराम दीजिए इसके बाद। फिर इसके बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है और उसके बाद आपको डेट डालनी है कि बस आपको डेट डायरेक्ट लिख देनी है,
उससे क्या होगा कि आपका पत्र का फॉर्मेट जो है बिल्कुल सीधा होगा। अब आपको अपने पिता को पत्र लिखना है तो पिता आपके अब से बड़े हैं तो उनको आदरणीय या पूजनीय लिखिए। यदि आपको आदरणीय की मात्राओं में कंफ्यूजन है या संशय है तो मत लिखिए, पूजनीय सरल है उसको लिख दीजिए। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। तो ये हो गया आपका सादर अभिवादन। अब आपको अपना पत्र शुरू करना है। 5,000 रुपए के लिए आपको पत्र लिखना है कि आप उसमें ये दिखाएंगे कि नया सत्र आ गया है, आपको किताब कॉपी पेन पेंसिल साथ में विद्यालय की फीस इत्यादि भरने के लिए 5,000 रुपए की आवश्यकता है, तो इसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से रहते हुए आशा करती हूँ कि आप भी अच्छी तरह होंगे। पिताजी, परीक्षा परिणाम के बाद नया सत्र प्रारंभ हो गया है और मुझे विद्यालय की फीस लिख सकते हैं, शुल्क लिख सकते हैं। विद्यालय का होगा तब फिर विद्यालय का शुल्क, और अगर फीस लिखेंगे तो की होगा। विद्यालय का शुल्क जमा करना है तथा अपने लिए पुस्तकें एवं कॉपियां भी लेनी है। हो गया, बस आपने मैटर लिख दिया। अब आप आ जाइए यहाँ, आपका जितना दूर गया है उस बस की इतनी छोड़ दीजिए जगह और कोई लाइन का गैप नहीं। अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र पाते ही मुझे ₹5,000 भेजने की कृपा करिएगा ताकि मैं फीस और पुस्तकें समय से ले लूं। और पढ़ाई भी कर सकूं। हो गया आपका पत्र, आपने अपनी आवश्यकता की सारी चीजें लिख दी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, पत्र का समापन। अब आपने अपने पत्र में जरूरी सब, अगर आपको लगता है कि आपका, मैंने चूंकि बोर्ड पे लिखा है एक ही जगह पर मैं ये पत्र पूरा करना चाहती हूँ इसलिए मैंने बिल्कुल विस्तार नहीं दिया है, सिर्फ आवश्यक बातें लिखी हैं,
कि उसमें आपको बताया कि आपने उनका कुशल क्षेम पूछ लिया, अपना बता दिया कि मैं यहाँ पर अच्छी तरह से रहते हुए आशा करती हूँ, बच्चे लड़के लिख रहे हैं तो आशा करता हूँ कर दें, आशा करता हूँ कि आप भी अच्छी तरह होंगे। अगर आप और चाहते हैं तो अपनी माता जी का हालचाल यहाँ जोड़ दीजिए कि पिताजी माँ का भी हालचाल इधर बीच नहीं मिला, माँ कैसी हैं। और फिर उसके बाद शुरू करिए, पिताजी मुझे आपको, मैंने इस जानकारी के लिए आपको पत्र दिया है कि मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। आप विस्तार तो आपके शब्दों पर आधारित है कि आप बाप को कैसे यहाँ लिखना चाहते हैं और कैसे, चूंकि यहाँ बोर्ड पर जगह कम है तो मैंने बहुत संक्षिप्त में इस चीज को लिखा है। तो पिताजी मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है, मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और नया सत्र तारीख इतने इतने से शुरू होने वाला है, ऐसे कर दीजिए। और जिसके लिए मुझे नए सत्र की तैयारी करते हुए अपने लिए कॉपी किताब और विद्यालय की फीस के साथ कुछ यूनिफॉर्म दे सकते हैं, कुछ आवश्यक सामान और भी खरीदने हैं, उसके बाद बस खरीदने हैं हो गया। तो मतलब आपके पिता ने आपको ये जान लिया कि आपको पैसे की आवश्यकता है। फिर आप पैराग्राफ बदल दीजिए। पैराग्राफ बदलते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपका जितना पोर्शन यहाँ गया है, कोशिश करिए कि उसी के आसपास आपका पैराग्राफ चेंज हो, अनुच्छेद परिवर्तन करने के लिए ये ध्यान है। लेकिन किसी कारण से आपका ये है यहाँ आ जाता, मान लीजिए आपका ये है जो मैंने यहाँ लिखा वो मैं यहाँ कर देती, तो आपका ये पैराग्राफ यहीं से शुरू हो जाता, बिना लाइन का गैप किए, बिना पंक्तियों का अंतराल दिए हुए आपका पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, अगर आपका ये है यहाँ आ रहा है तो, नहीं तो आपको अपने पैराग्राफ को ऐसे ही परिवर्तित करके अनुच्छेद परिवर्तन ऐसे ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद परिवर्तन का नियम बिल्कुल सही पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप पहला पैराग्राफ हमेशा आपका बड़ा होगा। आप ध्यान रखिएगा कि पहला पैराग्राफ हमेशा बड़ा होगा और दूसरा पैराग्राफ जो है वो आपका छोटा होना चाहिए। तो इसको बड़ा करिए, इसको छोटा करिए, इसमें मुख्य बातें डालिए, इसमें उसका कंक्लूजन छोटा सा दीजिए कि आप मुझे ये चीज देने की कृपा करें, जैसा भी हो आपका आपका प्रश्न। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपका ये बहुत जरूरी चीज है कि आपकी कॉपी की जो मार्जिन है वहां से ये बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए। अगर किसी कारण से आप सीधा नहीं लिख पाते हैं, एक तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो आप जब लिख लीजिए तो ये मानिए कि मान लीजिए आपने लिख लिया कोई भी लाइन, तो उसको अपने पेन से मार्जिन तक ऐसे खींच दीजिए तो वो एकदम सीधा दिखने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका ये पत्र अपने आप सीधा दिखेगा। यदि इसी को मैं करूं, चलिए करके दिखाती हूं, ऐसे करके आप ये और सीधा लगने लगेगा, यहाँ बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए, ये ध्यान। पैराग्राफ इसी के जस्ट नीचे बिना लाइन का गैप दिए यहाँ पर शुरू होगा, दूसरा पैराग्राफ हमेशा छोटा होगा, दूसरे पैराग्राफ में बिल्कुल आवश्यक बातें होंगी। इसके बाद आपको पत्र का समापन करना है, बस। अब आपके पिता हैं, आप उनकी बेटी या बेटा जो भी हैं, जिस चीज की स्पेलिंग आपको आती हो, जो मात्राओं का ज्ञान बिल्कुल सही हो, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। आपकी आज्ञाकारी बेटी पुत्री लिखने में अगर आपको यहाँ तक आ जा रहा तो आप कतई न लिखिए, सिर्फ आपकी बेटी इतना लिखिए। तो मैंने करती हूँ लिखा है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ भी कोई लाइन का गैप नहीं होगा, यहाँ भी कोई गैप नहीं, जहां भी गैप देना वहां मैंने ऐसे क्रॉस बनाया। और अनौपचारिक पत्रों में मात्र यहाँ पर ही गैप आता है, बाकी पूरे पत्र में कोई गैप नहीं होता। ये देखिए, तो आप उनकी बेटी है, तो लिखिए आपकी बेटी, उसमें भी कम प्यार नहीं है। अब CBSE तो कहता है कि आप अपना नाम ना लिखें, लेकिन अगर आप नाम लिखते हैं तो जो भी है सुनीता
या जो भी चाहिए लिख दीजिए बस। आपकी बेटी सुनीता, तो आप इस तरह जाके इस पत्र को पूरा खत्म कर देंगे। इसके बाद कहीं कुछ नहीं करना है। कोशिश आपकी भी होनी चाहिए कि जैसे आपका लग रहा कि हाँ मात्रा मान लीजिए ठीक है, मैंने ये लिखा और मात्रा लिया, अगर आप इसको सीधा करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा थोड़ी लंबी कर दीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए, तो यहाँ से भी ये सीधा दिखने लगेगा। ये मैंने एक तरीका सिखाया है आपको दोनों तरफ से बराबर दिखने के लिए, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा संक्षेप में लिखा है कि एक ही पेज पर आपको पूरा करके मैं सिखाऊं कि आप पत्र कैसे लिखेंगे। यदि इसमें दो एक लाइनें विस्तार आपको करनी हो तो आप यहाँ पर माताजी के लिए जोड़ दीजिए और बाकी आप इसी तरह से पत्र पूरा लिखेंगे। तो अब आपका होमवर्क है कि आपके पास जो भी व्याकरण की पुस्तक हो उस व्याकरण की पुस्तक से कम 3 पत्र जो प्रश्न को व्याकरण में पत्र के लिए दिया है उनमें से कोई भी 3 पत्र उठाइए और इसी फॉर्मेट पर इसी प्रारूप पर आप उसको अपनी कॉपी पर करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पत्र लिखना बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूँ ताकि आपके पास पत्र का फॉर्मेट बना रहे। चलिए आपने ले लिया होगा, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।